ये कमजोर कम्युनिटी नहीं है बड़ी गलत अवधारणा है यह बड़ी गलत अवधारणा है कि बनिया बहुत कमजोर होता है तो मराठों ने मुगलों को पानी पिलाया बीजापुर को पानी पिलाया गोलकुंडा को पानी पिलाया अहमदनगर को पानी पिलाया मतलब तो जलवा दिखाने का इतना शौक है इतना धक से काश कोई राणा प्रताप राणा सांगा अंग्रेजों को भी मिला होता पानी पिला दिया रॉबर्ट क्लाइव को वॉरेन हेस्टिंग को लॉर्ड हेस्टिंग को और यहाँ पर मराठा शक्ति का अंत इतिहास का एक ऐसा कालखंड है जहां राजपूत गहरी निद्रा में सो रहा है ये गलती मराठों ने की पता नहीं वो गाड़ी वाले के पीछे जो महाकाल और पता नहीं क्या क्या लिखाए हुए हैं कोई सात सौ छियासी लिखाए है बाहर की दुनिया इतनी ज्यादा खुली हुई है इतनी ज्यादा बोला आज आपको डिस्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ करना नहीं है आप ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड हो जैसे 1990 में डिस्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ करना पड़ता था 2024 में डिस्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ करना ही नहीं आप ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड हो कोई आपसे ना बोले तो मोबाइल आपसे बात करेगा तो इन सब चीजों की वजह से इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ है कि आप की जो पढ़ाई है ना जो मनन की क्षमता है वो कमजोर होती जा रही है कहानी कुछ ऐसी चल रही है कि वेलसली भारत पहुंचता है और बिना पैसे में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सैन्य शक्ति बना देता है मैंने कहा ना वो डायग्राम पिछली बार मैंने आपको बना के दिया कि महमूद गजनी मोहम्मद गौरी नादिर शाह अब्दाली सब सेना लेकर भारत आए और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी रॉबर्ट क्लाइव ने न्यू रखी कॉर्नवालिस और वॉरन हेस्टिंग ने उस न्यू को मजबूत किया मैंने आपको एक्सप्लेन किया सारी बातें और फिर वेलेजली ने कंपनी का साम्राज्य विस्तार लॉर्ड हेस्टिंग ने उसको और आगे बढ़ाया लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1822 1813 से 1822 इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही सबसे बड़ी तीन बड़ी उपलब्धि रही इसकी पहली उपलब्धि एंडेड मराठा पावर इन इंडिया एंडेड मराठा पावर एंडेड मराठा पावर इन इंडिया भारत में मराठा शक्ति का अंत किया जब मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो मैं हिंदी में बोलूंगा जब मैं हिंदी में लिखूंगा तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो जो bilingual वाले हैं वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया करें जब मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं तो मैं हिंदी में बोल दूंगा भारत में मराठा शक्ति का अंत किया मराठों का नहीं मराठा शक्ति का अंत किया एंडेड मराठा पावर इन इंडिया कैसे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर दूसरा मराठा वॉर पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1816 टू 1818, तीसरा आंग्लो मराठा युद्ध 1816 से 1818, तो पहला एंग्लो मराठा वॉर रघुनाथ राव की वजह से क्या कि किसी ने फेसबुक पे लिखा था कि रघुनाथ राव अंग्रेजों को भारत बुला के लाया था तो पहला एंग्लो मराठा युद्ध रघुनाथ राव की वजह से दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध बाजीराव सेकंड की वजह से और तीसरा पहले में क्या हुआ शांति समझौता हुआ दोनों पार्टी बराबर की ताकतवर और शांति समझौता हुआ 20 साल के लिए 20 साल के लिए शांति समझौता हुआ उस 20 साल का सदुपयोग किया किसने यूज़ किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपने आप को स्टैब्लिश किया कंसॉलिडेट किया अपने जानी दुश्मन मैसूर का खात्मा किया और फिर वो पलटे मराठे की तरफ और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में वेलजनी ने मराठों को अपंग कर दिया सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में वेलेजनी ने मराठों को अपंग कर दिया अब उस अपंग मराठा शक्ति को अंत किया लॉर्ड हेस्टिंग ने कैसे किया थर्ड एंग्लो मराठा मुद्दा पिंडारी पिंडारी बना मुद्दा अब ये कौन है ये ट्राइब है महाराष्ट्र रीजन की ट्राइब है महाराष्ट्र राजस्थान वहां की ये ट्राइब है इनपे एक मूवी बनी थी सलमान खान की एक मूवी थी वीर इनपे एक मूवी बनी थी वीर इनका जो प्रोफेशन है वो युद्ध है लूटपाट और युद्ध ये इनका प्रोफेशन है तो जब मराठा पावर पेशवाओं के अंडर में मराठा पावर अंडर पेशवास जब एक्सपैंड करने लगी पेशवाओं के आधीन जब मराठा पावर एक्सपैंड करने लगी पूरे भारत में घूमने लगी तो इन पिंडारियों को एक संवैधानिक मौका मिल गया ये मराठा सेना का अंग बन गए लूज ऑक्जलरीज क्या साहब हमको वेतन नहीं चाहिए पर हम आपके साथ चलेंगे और लड़ेंगे और हम वही लूटमार साहब राह ने कहा यार ये तो बड़ी सही बात है यार फ्री में सोल्जर मिल रहे हैं फ्री में लड़ाकू मिल रहे हैं फ्री में योद्धा मिल रहे हैं इससे बड़ी बात क्या है बाकी अपना काम करेंगे लूट मार करेंगे हमें क्या लेना देना है तो जब पेशवाओं के अंडर में मराठा साम्राज्य का एक विस्तार शुरू हुआ तो ये जो है मराठा सेना के लूज ऑक्सिलरी बन गए लूज लूज ऑक्सिलरी लूज ऑक्सिलरी मतलब अवैतनिक सेना अवैतनिक मतलब वेतन वाली सेना नहीं अवैतनिक ठीक है भैया लड़ो हमारी तरफ से और तुम्हें लूटपाट करना है तुम करो और फिर बाजीराव वन से लेकर माधोराव पूरे भारत में इन्होंने दौरा किया मराठा सेना ने किया उसने चौथों स्वदेश मुखी लिया इन्होंने लूट मार की सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जब मराठा शक्ति क्रिपल्ड हो गई अपंग हो गई सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर मराठा शक्ति अपंग हो गई जब मराठा शक्ति अपंग हो गई और घर में बैठ गई अपंग आदमी घर में बैठेगा तो पिंडारी अनएम्प्लॉयड हो गए पिंडारी अनएम्प्लॉयड यह बेरोजगार हो गए जो मजा इन्होंने लिया था बाजीराव वंश से लेकर माधवराव तक इनका मजा खत्म हो गया बहुत मजा लिया इन्होंने बाजीराव वन से लेकर माधो राव तक इन्होंने इतना मजा लिया इतना मजा लिया खूब लूटपाट की और मराठों के विजय में इनकी अहम भूमिका भी रही तो क्योंकि लड़ना जानते हैं। <coughs> लेकिन जब द्वितीय एंग्लो मराठा वॉर के बाद मराठा शक्ति अपंग तो अपंग आदमी बैठ गया जब वो बैठ गया ये पिंडारी बेरोजगार जब पिंडारी बेरोजगार हो गए तो घर में ही लूटपाट करने लगे क्रिएटेड इंटरनल क्राइसिस आंतरिक समस्या पैदा कर दी आदमी का जो व्यवसाय है वो तो करेगा ही ना तो पिंडारियों ने आंतरिक समस्या पैदा कर दी और सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट या तो मालाबार के तट पे या कोरोमंडल के तट पे तो कंपनी का सारा माल महाराष्ट्र से होके निकलेगा और जब महाराष्ट्र से होकर निकलेगा ये लूटपाट करेंगे भाई बाहर का बाजार बंद हो गया तो अंदर के बाजार पर हमला करेंगे कंपनी के ट्रेड को बड़ा नुकसान पहुंच रहा था इन पिंडारियों की वजह से किसको नुकसान पहुंच रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड को ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड को लॉस हो रहा था और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड को लॉस होगा किसी को भी जब इकोनॉमिक नुकसान आर्थिक नुकसान होगा तो वो तुरंत आवाज उठाएगा बहुत कम लोग दुनिया में राणा प्रताप की तरह होते हैं जो आन बान शान के लिए लड़ते हैं 99% परसेंट लोग अगर लड़ते हैं तो सिर्फ इकोनॉमी के लिए लड़ते हैं इसीलिए तो राणा प्रताप महान है कि भाड़ में गई इकॉनमी पैसे की चिंता ही नहीं करनी आन के लिए लड़ना है सब राणा प्रताप नहीं हो सकते आन के लिए लड़ना है तो कंपनी को लॉस हो रहा था अब कंपनी को लॉस हो रहा था तो लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा को मैसेज भेजा कि ये तुम्हारे बच्चे पिंडारी पेशवा को मैसेज भेजा कि कंट्रोल करो इनको अपने बच्चों को ये तुम्हारा ही बच्चे हैं ना पिंडारी इनको कंट्रोल करो पेशवा ने कहा साहब हमारे कब्जे में नहीं है भाई तुम्हारे बच्चे ने किसी को तमाचा मार दिया अगला आदमी आया तुमसे शिकायत करने तुमने कहा मेरा बेटा मेरे कब्जे में नहीं उसने तुम्हारे बेटे को बंद करके बहुत पीटा अब तुमने इसको सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले लिया अब क्या इसे तुम सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले सकते हो जब तुमने कहा मेरा बच्चा मेरे कब्जे में नहीं है जब पेशवा ने कहा मेरा बच्चा मेरे कब्जे में नहीं है ये पिंडारी हमारे कब्जे में नहीं है तो लॉर्ड हेस्थिंग डिसाइडेड फॉर मिलिट्री एक्शन लॉर्ड हेस्टिंग ने कहा कि सैन्य कार्रवाई करो इनके ऊपर मिलिट्री एक्शन दिस वॉज अटैक ऑन द रिस्पेक्ट डिग्निटी एंड सोवर्निटी ऑफ मराठास इंडिपेंडेंट लविंग मराठास जब लॉर्ड हेस्टिंग ने डिसाइड किया कि हम ले, हम लेंगे मिलिट्री एक्शन लॉर्ड हेस्टिंग उसने डिसाइड किया कि हम एक्शन लेंगे लॉर्ड हेसिंग डिसाइडेड टू टेक मिलिट्री एक्शन कि हम लेंगे मिलिट्री एक्शन हम सैन्य कार्रवाई करेंगे और जब लॉर्ड एसिंग ने डिसाइड किया कि हम सैन्य कार्रवाई करेंगे तो दिस वॉज अटैक ऑन रिस्पेक्ट डिग्निटी सवर्निटी वर्निटी मतलब संप्रभुता दिस वॉज अटैक ऑन रिस्पेक्ट डिग्निटी सवर्निटी ऑफ इंडिपेंडेंट लविंग मराठास इंडिपेंडेंस लविंग मराठास जो आजादी के प्रेमी थे जिन्होंने किसी को बर्दाश्त नहीं किया ना बीजापुर ना गोलकुंडा ना मुगल उन्होंने कहा तुम अंग्रेज व्यापारी साहब बीबी और गैंगेस्टर में कहता नहीं है टन टन व्यापारी आमतौर पर लोगों को लगता है व्यापारी बहुत कमजोर होते हैं नहीं व्यापारी समुदाय सबसे ताकतवर समुदाय होता है बस वो बिना वजह लड़ना नहीं चाहते मारवाड़ी, सिख पंजाबी यह कमजोर कम्युनिटी नहीं है ये बड़ी गलत अवधारणा है यह बड़ी गलत अवधारणा है कि बनिया बहुत कमजोर होता है बिल्कुल नहीं होता बनिया बहुत समझदार होता है वो कहता है मुफ्त में नहीं लड़ना है लड़ना चाहते हो तो हजार हजार रुपया निकालो तब लड़ा जाए कुछ धारणाएं बहुत गलत हैं कि बिजनेसमैन कम्युनिटी बहुत कमजोर कुछ कमजोर नहीं होती बहुत ताकतवर और बहुत समझदार गांव में दस दस बिस्सा जमीन के लिए मुकदमा लड़े और बीस बीस बीघा जमीन बिक गई और बर्बाद हो गए तो मराठों ने मुगलों को पानी पिलाया बीजापुर को पानी पिलाया गोलकुंडा को पानी पिलाया अहमदनगर को पानी पिलाया और ये और फिर पेशवा ने सिंधिया के साथ मिलकर पूना में रेजिडेंसी पर हमला कर दिया अटैक ऑन रेजिडेंसी पूना रेजिडेंसी बाय पेशवा अटैक ऑन पूना रेजिडेंसी बाय पेशवा पेशवा ने पूना रेजिडेंसी पर हमला कर दिया और यहीं से शुरू हुआ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हार नहीं था हार गए मराठा पेशवा सिर्फ डिसॉल्व हो गई पेशवा सिर्फ डिसॉल्व हो गई मराठों की भावना का सम्मान करने के लिए देखो दिमाग उनका मराठों की भावना उनको पता है ये टेरेन बहुत खतरनाक है ये गुरिल्ला वॉर की टेरेन है इनको मौका मत दो इनकी भावना भड़काने का तो मराठों की भावना को भड़ भावना को सम्मान देने के लिए उन्होंने शिवाजी की छत्रपति शिवाजी के परिवार से एक आदमी को निकालकर और सतारा का राजा बना दिया और मराठा कन्फेडरेसी के साथ सब्सिडरी अलायंस कर लिया और यहीं पर मराठा शक्ति का अंत हो गया तीन काम किया थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में पहला काम यह किया पेशवा को भंग करनी खत्म पेशवाशिप को भंग करनी बाजीराव सेकंड को पेंशन देकर बिठूर में बैठा दिया कानपुर के पास का चुपचाप वहां बैठे रहो बाद में इनके दत्तक पुत्र बाजीराव सेकंड के नाना साहेब उन्होंने कहा मुझे पेंशन अरे बोले ऐसे तो अडॉप्टेड बेटों को थोड़ी पेंशन मिलेगी तब उन्होंने अठारह के विद्रोह में हिस्सा लिया तो पहला काम किया पेशवा सिप को भंग कर दिया दूसरी मराठा भावना का सम्मान करने के लिए सतारा में छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज को गद्दी पर बैठा दिया छत्रपति शिवाजी के वंशज को सतारा में बिठा दिया जिससे मराठों की भावना का सम्मान हो सके देखो भैया तुम्हारा राजा तुम्हारे पास है हम तुम्हारे ऊपर का शासन नहीं कर रहे हैं यह काम उन्होंने उत्तर प्रदेश में अवध में नहीं किया क्योंकि जानते हैं कोई भावना ही नहीं है कोई किसी के लिए लड़ेगा ही नहीं और गुरीला वो संभव नहीं है और तीसरा उन्होंने काम किया कि जो मराठा संघ है मराठा कन्फेडरेसी है उसके साथ उन्होंने सहायक संधि कर ली सब्सिडियरी अलायंस और इस तरह भारत में एक बहुत बड़ी शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति 18वीं सदी की एक बहुत बड़ी शक्ति को मराठों ने खत्म कर दिया अंग्रेज सॉरी अंग्रेजों ने खत्म कर दिया एक चैप्टर और क्लोज हो गया तो सत्रह बंगाल 1799 मैसूर और 1817 मराठा तीन मराठा युद्ध पहला फर्स्ट एंग्लो मराठा फर्स्ट एंग्लो मराठा 1775 से सत्रह रीजन रघुनाथ राव रघुनाथ राव का एंबिशन दूसरा एंग्लो मराठा सेकंड एंग्लो मराठा 1802 से 1805 रीजन बाजीराव सेकंड सेकेंड इडियोसिटी ऑफ बाजीराव सेकंड बाजीराव सेकंड की बेवकूफी और थर्ड एंग्लो मराठा 1816 से 1818 रीजन पिंडारी और एंड ऑफ मराठा पावर यहां पे शांति समझौता पीस एग्रीमेंट साल सत्रह सो बयासी में यहां पे क्या किया मराठा शक्ति को अपंग कर दिया क्रिपल्ड मराठा पावर और यहां पर मराठा शक्ति का अंत एंड ऑफ मराठा पावर मतलब सलाम है अंग्रेजों को सलाम कहते ना ये देश अवीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का पता नहीं कहां चले गए थे इस वक्त सब इस वक्त पता नहीं कहां चले गए पता नहीं वो गाड़ी वाले के पीछे जो महाकाल और पता नहीं क्या क्या लिखाए हुए हैं कोई सात सौ छियासी है कोई महाकाल लिखाए है कोई लिखा है राजस्व विभाग हीरो होंडा स्प्लेंडर में पत्रकार पता नहीं गाड़ी पे ये सब स्टीकर लगा के क्या दिखाना चाहते हैं अरे वॉइस रॉय वायसराय लिखा कुछ लोग लिखा लेते पूर्व विधायक एक आदमी लिखाया हुआ था पूर्व सलाहकार सलाहकार पूर्व मंत्री पूर्व प्रधान पूर्व प्रेमी भी लिखा लो जलवा दिखाने का इतना शौक है इतना सब पता नहीं कहाँ चले गए थे वो जो जलवा वलवा वाले जलवाधारी लोग हैं वो सब पता नहीं कोई कहता हम पठान है कोई कहता ब्राह्मण है कोई कहता राजपूत है कोई कहता हम दलित योद्धा है पता नहीं सब कहा इस वक्त गाय हो गए पता नहीं सब कहीं चले गए होंगे कहीं बाहर और सिया चले गए होंगे लेकिन कहाब धक से हैं वही वाला हाल है कहा तलग से ये सबसे बड़ा काम किया वॉरन हेस्टिंग सॉरी लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठा शक्ति का भारत में अंत कर दिया अब राजपूत चूंकि मराठों के अधीन पहले से ही थे राजपूत सरेंडर टू इंग्लिश वाई देर ऑलरेडी अंडर मराठा ऑलरेडी अंडर मराठस तो जब मराठों का अंत हुआ तो इनका स्वाभाविक तौर राजपूत काश कोई राणा प्रताप राणा सांगा अंग्रेजों को भी मिला होता तो हमारे इतिहास में एक ऐसा चैप्टर जोड़ा जाता कि पानी पिला दिया रॉबर्ट क्लाइव को वॉरेन हेस्टिंग को लॉर्ड हेस्टिंग को। कोई था ही नहीं इतिहास का एक ऐसा कालखंड है जहां राजपूत गहरी निद्रा में सो रहे थे शायद राजपूतों ने सरेंडर कर दिया क्या भैया चूंकि वो मराठा के अधीन थे इसलिए सरेंडर तो राजपुताना भी अंग्रेजों के अंडर में आ गया मराठा राजपुताना सब उनके अंडर में आ गया तीसरा काम उसने किया सगौली की संधि ट्रीटी ऑफ सगौली ट्रीटी ऑफ सगौली 1816, ट्रीटी ऑफ सगौली 1816 नेपाल के साथ नेपाल नेपाल के गुरखाओं से युद्ध हुआ सीमा विवाद बॉर्डर डिस्प्यूट हमेशा बॉर्डर डिस्प्यूट होता था तो एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ गुरखा हारे और ट्रीटी ऑफ सगौलिया अठारह सो सोलह और, और इनसे ले लिया पूरा तराई हिमालय दून वैली पूरा ले लिया और तराई ले लिया और एक डेफिनेट बॉर्डर हो गया नेपाल और भारत के बीच भारत और नेपाल के बीच एक स्थायी सीमा का निर्माण किया और इस प्रकार लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में कंपनी भारत में पैरामाउंट पावर बन गई यह बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है मराठा शक्ति का अंत एंड ऑफ मराठा पावर सब्जुकेटेड राजपुताना राजपुताना को भी अधीन कर दिया एंड ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट विद नेपाल एंड ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट विद नेपाल और इस प्रकार लॉर्ड हेस्टिंग के काल तक पहुंचते पहुंचते ईआईसी भारत में बन गई पैरामाउंट पावर सर्वोच्च सत्ता ईआईसी भारत में बन गई पैरामाउंट पावर सर्वोच्च सत्ता क्लाइव ने क्या किया फाउंडेशन रखा उस फाउंडेशन को मजबूत किसने किया वॉरन हेस्टिंग और कॉर्नोवॉलिस्ट ने उस मजबूत फाउंडेशन पर भवन का निर्माण किसने किया विजली और लॉर्ड हेस्टिंग ने और कंपनी भारत में बन गई पैरामाउंट पावर अब फिर वही फॉर्मूला सी इज इक्वल टू सी कॉन्क्वेस्ट इज इक्वल टू कंसोलिडेशन अब कंसोलिडेशन का समय कॉन्क्वेस्ट का समय पूरा हो गया कब्जा का समय पूरा हो गया अब समय आया कंसोलिडेशन का यह गलती मराठों ने की कॉन्क्वेस्ट बहुत किया कंसोलिडेशन नहीं किया कल सारे लोग एक काम करो ये किताब खरीदो जाओ बाजार में टक्क से जाओ बाजार में किताब खरीदो कल इसी किताब से पढ़ा रहे हैं इसी किताब से पढ़ा रहे हैं और कल जाओ बी.एल. रोवर ग्रोवर मॉडर्न इंडिया बीएल ग्रोवर मॉडर्न इंडिया की किताब खरीदो और इसमें तैयार करो चैप्टर नंबर चौदह फोर्टीन विलियम बैंटेक एक नया अप्रोच तुमको बताएंगे विलियम बैंटेक चैप्टर नंबर फोर्टीन पढ़ो और इस चल रहा है क्लास नहीं चल रहा है मतलब चल का रहा है कहां बैठे हो क्लास में बैठ के कह रहे हो क्लास नहीं चल रहा है चैप्टर नंबर फोर्टीन विलियम बैंटिक और इस चैप्टर पर आज एक सवाल लिखो और उसी सवाल को दिमाग में रख के इस पूरे चैप्टर को पढ़ो और तो सवाल यह है हाँ ऐप पर डाल देंगे यार कोई दिक्कत नहीं यूट्यूब पर देख लो कोई बात नहीं सब ऐप पर पड़ जाएगा दरअसल यार क्या है ना कि एक वर्ग है भारत में जो कह रहा था कि पढ़ाते नहीं है पढ़ाते नहीं है तो मैंने कहा लाओ एक मॉडर्न इंडिया का कोर्स लोग परेशान ही रहते हैं तो पूरा मॉडर्न इंडिया यही पढ़ा देते हैं सब पढ़े देश के नागरिक पढ़ें युवा पढ़ें छात्र पढ़ें विदेशी लोग पढ़ें सब पढ़ें और इस कोर्स के दौरान जितने लोग एडमिशन ले ले रहे हैं वो सब 501 सौ एक के मॉडल में चलेंगे नहीं तो पॉलिटी का जब कोर्स में लॉन्च करूंगा तो वो इक्कीस सौ रुपये का होगा टपर भी बहुत कम है इक्कीस सौ रुपये भी बहुत कम है पूरी पॉलिटी अगर आप इक्कीस सौ में पढ़ लेते तो फिर तो मतलब तो वही कोर्स हो जाएगा इक्कीस सौ रुपए महीना तो सारे लोग बी एल ग्रोवर की किताब ले लो सारे और फोर्टीन चैप्टर खोलो चैप्टर नंबर 14 फिर जो है आज देखो कि कैसे उसने कंसोलिडेट किया पढ़ना सिर्फ नोट्स मत बनाना सिर्फ पढ़ना और कल हम लोग विलियम बैंटिक और डलहौजी को डिस्कस करेंगे